आप कितना यानी के पढ़े हुए एजुकेशन आपकी? मैट्रिक हम पढ़े हुए हैं, हमारा ये हाल है। ठीक, पढ़ी लिखी मैं अंग्रेजी, मारो हाल बिगड़ गयो मम्मी जी। पढ़ी लिखी मैं अंग्रेजी, मारो हाल बिगड़ गयो। छोटा सा मंदिर है। अच्छा, मंदिर भी है। कुलदीप माता का। अच्छा, कुलदीप माता का। हाँ, ये। अच्छा ठीक हो गया। वो मशीन है जो आप सिलाई सेंटर, अभी ये है ना जगह नहीं, इसकी वजह से ये रुल रही है। अच्छा, यानी कि वो सिलाई सेंटर बनेगा फिर उसमें रखोगे। हाँ। ये टीवी, ये कूलर, ये आपके संदूकें इनमें। हेलो एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अभी एक यानी कि हिंदू कम्युनिटी के घर में ले जाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये गली आप देख सकते हो, तो इसमें यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस गाँव में विलेज में हिंदू रहते हैं। तो मैं एक फैमिली से आप लोगों को टकराऊँगा, यहाँ मिलवाऊंगा और आप लोगों को यानी कि बताऊंगा कि वो लोग कैसे रहते हैं और क्या कुछ करते हैं, सब कुछ यानी कि होगा। तो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, तो अभी मैं चलता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं और इंटर होते हैं सामने आप लोगों। सीता। सीता, ठीक है। आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं सिलाई सेंटर चलाती हूँ। सिलाई सेंटर, ठीक है। तो ये आपके यानी के जानवर है? हाँ, ये मेरी गाय है, इसका नाम गोरी है। अच्छा, वो बकरियाँ? हाँ, ये मेरी बकरियाँ हैं। अच्छा ठीक है। और इनका घास कौन ले आता है? इसका घास मेरा शौहर लेके आता है, घर वाला यानी के। ये किस चीज़ का रूम है? ये मेरे जानवरों का रूम है। ठीक, जानवरों का। ठीक है, इनके नाम रखे हुए हैं या बस ऐसे? इसके नाम रखे हुए हैं। क्या? इसका नाम सदामा है। ठीक है। उसका नाम जुगनू है। जुगनू। इसका नाम गोरी है। इसका नाम गोरी। और इसका नाम साकी है। साकी। उसका नाम मोरा है। मोरा। और ये आप, ये क्या चीज़ है ये? ये हमारी तूड़ी है। अच्छा, ये माल को डालने की। अच्छा, जानवरों को डालने के लिए। हाँ। ठीक। अच्छा, ये सामने जो है ये जो बन रहा है अभी, बन रहा है या गिर गया? ये यानी कि सिलाई सेंटर था और गिर गया है। हाँ, गिर गया। अभी इसको तैयार कर रहे हैं। अभी आप लोग इसको तैयार कर रहे हैं? बारिश हमें मौका नहीं देती। अच्छा, बनाने का। अच्छा अच्छा, ये भी बहुत कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें बारिश मौका भी नहीं देती हम इसे तैयार करें। हाँ, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, ये आपका यानी के? ये हमारा छोटा सा घर है, इसमें हम रहते हैं। ये आपका यानी के स्टोर रूम यही है, बेडरूम यही है, सोने वाला सब कुछ यही है। अच्छा, सर्दी और गर्मी दोनों के लिए यही है। अच्छा, ये जो ऊपर आप लोगों ने शमशी लगा रखी, क्या आप लोग घर के में यानी लाइट नहीं है क्या? बिजली नहीं है। बिजली नहीं है, ये शमशी पर गुजारा करते हैं। अच्छा, ये आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे आपके? ठीक। इन इसका नाम क्या है? इसका नाम लाल। लाल। इसका? टीकम। टीकम। अच्छा, आगे रूम दिखाएं आप अपना। ठीक है, ये आपका रूम है। ये यानी कि वो मशीन है जो आप सिलाई सेंटर, अभी ये है ना जगह नहीं, इसकी वजह से ये रुल रही है। अच्छा, यानी कि वो सिलाई सेंटर बनेगा फिर उसमें रखोगे? हाँ। ये टीवी, ये कूलर, ये आपके संदूकें इनमें। अच्छा, कपड़े वगैरह। और ये आप लोगों को रहने सोने सभी यही घर है? हाँ, यही है। कपड़े भी इसी में, सब कुछ इसी में। हाँ। ये ऊपर बैंगल्स वगैरह काफी बढ़िया है। और ये क्या मिट्टी के क्या ऊंट बना रखे हैं? मेरे बच्चों के। अच्छा, आपके बच्चों के है? ये हाथी है। अच्छा, गाय ये गाय लगती है, ये बाकी ऊंट। इनको बाहर ले आके दिखाएं, मेरे बच्चे उठाते हैं एक मिनट। अच्छा, आपके बच्चे यानी के खेलते हैं मिट्टी के बर्तन से? लाल उठाइए, जा उठाओ। टोकरी ना उठा, टोकरी ले आ। यानी टोकरी यानी के वो गाय मतलब ऊंट। अच्छा, बाहर ले आए। ये यानी कि आप लोगों का सोलर सिस्टम है, बैटरी। हाँ। और ये कुछ। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, यानी ये ऊंट रेडी? तो देख सकते हैं गाइस, ये ऊंट रेडी। और वो उस बछड़े के सींग तो आप लोगों ने तोड़ दिए? वो अभी गिर गया ना, टूट गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये यानी के ये इसमें चारा डालने के लिए ऐसे ये ऊंट है? इसके सींग तो टूट गए अभी। अच्छा, इसके सींग यानी के मिट्टी वाले टूट गए हैं। तो ये देख सकते हो, पांच कितने जानवर है यानी के? 5 है। हाँ, तो ये अब लड़ रहे हैं यानी के मेरे जानवर क्यों तोड़े, ये वाला बच्चा। तो आगे चलते हैं। परती, परती। तो आप यानी कि आपका किचन कहाँ पे?
हमारी ये किचन है। अच्छा ठीक ठीक, ये यानी के ये जो छप्पर सा बनाया हुआ ये क्या? ये बस जब गर्मी होती है अंदर तो फिर यहाँ बैठते हैं। अच्छा यहाँ पे बैठते हैं। आगे आगे ये हमारा छोटा सा मंदिर है। अच्छा मंदिर भी है, कुलदीप माता का। अच्छा कुलदीप माता का। हाँ ये। अच्छा ठीक हो गया। और बड़ा मंदिर नहीं है जो गाँव में? नहीं बड़ा मंदिर नहीं। अच्छा नहीं, वैसे जो आप पूजा कहाँ पे करने जाते हो? वो दूर है हमारे गांव में। अच्छा गांव में एक बड़ा मंदिर भी है? हाँ, ठीक है। अच्छा इसी गांव में है मतलब? हाँ, इसी गांव में। ठीक ठीक, सुबह शाम जाते हो आप? हाँ, सुबह शाम जाते हैं। ठीक, आगे ये आप लोग ये रोटी, अच्छा यानी रोटी पकाने का ये किचन है? ठीक, ये तो दोस्तों अभी रोटी पकाएगी सिस्टर, तो अब देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कितनी गर्मी है और साथ में धूप, यानी कि आग पर यानी कि चूल्हे पर रोटी पकाना तो आपको पता ही है कितनी गर्मी लगेगी। तो इस वजह से देख सकते हैं सिस्टर का क्या हाल हो रहा है। तो आप डेली यानी कि ऐसे रोटियां पकाते हैं? हम रोज़ ऐसे कांटों पर रोटी पकाते हैं। अच्छा ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये यानी कि कांटों वाले दरख्त के हैं, देख सकते हो ये कांटों वाले लकड़ी है, इस वजह से कांटों पर रोटी पकाना। पढ़ी लिखी मैं अंग्रेजी, मारो हाल बिगड़ गयो मम्मी जी। पढ़ी लिखी मैं अंग्रेजी, मारो हाल बिगड़ गयो मम्मी जी। रोटी पकाती हाथ सड़ गयो मम्मी जी। पढ़ी लिखी मैं अंग्रेजी, मारो हाल बिगड़ गयो मम्मी जी। पढ़ी लिखी मैं अंग्रेजी। वैसे आप कितना यानी कि पढ़े हुए एजुकेशन आपकी? मैट्रिक हम पढ़े हुए हैं, हमारा यही हाल है। ठीक, यानी कि आपने मैट्रिक का? हाँ, हाथों में छाले है, पढ़ गए हैं रोटी पकाते पकाते। ठीक ठीक, यानी कि आप मैट्रिक तक पढ़ाई किए, इसके बाद भी ये रोटियां पकानी पड़ती है। ठीक, हाथ सड़ गयो, सड़ गयो, मेरे माँ बाप का कसूर है। आपकी यानी कि माता पिता का कसूर है ये सब? ठीक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो आपको इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, फिर भी? पर हमें काम तो नहीं मिला, ये रोटी कांटों पे पकाने के लिए भेज दिया है, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा ही नहीं। अच्छा अच्छा, यानी कि पढ़ाई किया उसका यानी कि आपको कुछ फायदा नहीं मिला, नहीं। इस वजह से आप दुखी हो? बहुत दुखी हम। ठीक, प्रार्थना करते हैं कि हम इस रोटी से कब छुटकारा मिलेगा। ये तो अब अभी तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, ये तो अब। ये हमारी गंदम रखने की डंडी है। अच्छा ये गेहूं रखते हो इसमें? ये घड़े पानी पीने के लिए? और ये कैन इसमें पानी लेके आते हैं दूर से? आते हैं दूर से, हमारे गांव में पानी नहीं है। अच्छा ये लकड़ियां जलाने के लिए या किस? ये वो सिलाई सेंटर टूट गया उसकी छत। अच्छा अच्छा, उस सिलाई सेंटर की छत के लिए ये है, ये भी ठीक हो गया। तो आए आगे, ये सब इतने बच्चे कहाँ के? आपके गांव यानी कि आपका सिलाई सेंटर, इसलिए यानी कि यहाँ पे बच्चे रहते होंगे? अच्छा ठीक ठीक हो गया। ये हमारी कपड़े टांगने की तनी है। तनी? अच्छा कपड़े टांगने के लिए वो विंडो। और ये हमारे बर्तन धोने की जगह बनी है। अच्छा बर्तन धोने की जगह? जी, ये बर्तन धोने के लिए जगह। और ये मशीन? ये घास कुतरते हैं अपने जानवरों को। अच्छा अच्छा ठीक, काट। ये मुर्गियों की बनाई हुई थी खुडी। अच्छा, इसमें मुर्गियां बिल्ली खा गई। अच्छा, अभी बस यही रही है, बाकी बची है। ठीक ठीक, यानी कि ये मुर्गियों के लिए थी पर मुर्गियों को बिल्ली खा गया, इसलिए अब खाली पड़ी है। हाँ, खाली। ये किस चीज का? ये पानी आता है दूर से। अच्छा ठीक, दूर से पानी आता है इसका। अच्छा वाटर सप्लाई से पानी आता है? सप्लाई से पानी आता है। और इसमें यानी कि आप स्टोर करते हो फिर यूज करते हो? हाँ, यूज करते हैं। ठीक, पीने का दूर से लाते हैं, ये जानवरों को पिलाते। अच्छा, ये जानवरों को पिलाने और बाकी चीजों के लिए? हाँ, यानी कि कपड़े वगैरह धोने के लिए। हाँ, पीने के लिए दूर से लाते हो? दूर से लाते हैं। ठीक, ये आपका वॉशरूम है? हाँ, वॉशरूम भी यही है और वो दूसरा भी टॉयलेट भी यही है दोनों। ठीक, अच्छा ये छोटा सा हमारा ये बगीचा है छोटा सा। अच्छा ठीक है, इसमें ये किकरियों का बीज है। अच्छा, और ये एलोवेरा है। अच्छा, और ये तार है। अच्छा अच्छा, ये छोटी सी टाली उग रही है। अच्छा, ये आम के पेड़ बीज है अभी। अच्छा अच्छा, ये घास का बूटा है। अच्छा अच्छा, ये बबरी का बूटा है। अच्छा अच्छा, ये नागर बेल का बेल बीजी हुई है। अच्छा अच्छा,
हाँ ये छोटिया से किकरिया उग रिया है वहीं पे बेरी का दरख्त था वो सूख गया अभी डब्बे के नीचे। अच्छा अच्छा हाँ ये छोटी सी खजूर बीजी है ये उग रही है ये अच्छा, ये वाली ठीक है जी। अच्छा ठीक हो गया यानी के 6 बच्चे 4 लड़के और 2 लड़कियाँ जी ठीक हो गया यानी के काफी आपका बढ़िया घर बना हुआ है। हाँ। बाकी ये जब सिलाई सेंटर छोटे से घर में बहुत खुश हैं। ठीक हो कितने हिंदू कम्युनिटी के घर होंगे इसमें? कम से कम 400 घर है। 400 घर इसमें। अच्छा हाँ, मुस्लिम भी साथ रहते हैं? मुस्लिम है। ठीक हो गया चलो 500 घर मुस्लिम के हैं। ठीक सही हो गया ये काफी यानी के रे